नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टी टुडे। मैं हूं निधि। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। नयापुरा पुल से युवक ने लगाई चंबल में छलांग, युवक की हुई मौके पर ही मौत। गोताखोर टीम और नयापुरा थाना पुलिस पहुंची मौके पर, शव को पहुंचाया एमबीएस अस्पताल मौर्चरी में। बौली में नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, खेत में घायल अवस्था में मिली पीड़िता, दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट। कोटा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया में कूलर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान। बूंदी पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बजरी का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रकों को किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। कोटा के नयापुरा इलाके में चंबल नदी के ऊपर बनी हुई नई पुलिया से एक युवक ने छलांग लगा दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर गोताखोर टीम और नयापुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकलवाया। तब तक युवक के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मृतक का नाम अजय कुशवाहा है और वह बजरंग नगर के आदित्य आवास पर इलाके में सब्जी का ठेला लगाता था और कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। नयापुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली कस्बे में 11 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले को हफ्ता भर भी नहीं बीता कि एक और नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी है कि उसकी पुत्री 15 अप्रैल को घर पर अपनी मां के साथ थी, तभी दो युवक देर रात उसे घर से जबरन उठा के ले गए। परिवारजनों ने लड़की को ढूंढने का प्रयास किया तो अगले दिन वह कौड़ियाई गांव के खेत में घायल अवस्था में बेहोश मिली। मामले की जानकारी मिलने पर बौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका को बेहोशी की हालत में सवाईमाधोपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने दो युवकों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जाँच सीओ ग्रामीण राजवीर सिंह कर रहे हैं। कल पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दी है कि मेरी पुत्री को दो युवक अपहरण करके ले गए और उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया है। उसकी रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर हमारे सीओ साहब जांच कर रहे हैं। कोटा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब दोपहर के समय कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर दो दमकलें मौके पर पहुंची, जिन्होंने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 50 कूलर में पैड जल गए। ऐसे में कारखाना मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की घटना की खबर मिलने पर गुमानपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बूंदी एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सदर थाना ने संयुक्त रूप से सोमवार को नेशनल हाईवे नंबर 52 पर बजरी का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रकों को जब्त किया। पुलिस ने 3 चालकों को भी गिरफ्तार किया है। सभी ट्रकों को सदर थाना परिसर में खड़ा कराया है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई करने के बावजूद बजरी माफियाओं में कोई भय दिखाई नहीं देता और वे सरेआम बजरी का परिवहन करने में लगे हैं। बूंदी जिला अदालत में बनी बैरक में जेल से आए कैदियों ने सोमवार को हंगामा कर दिया। ऐसे में मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। जानकारी के अनुसार कैदियों का आरोप था कि कोर्ट द्वारा मामले के फैसले में वारंट देरी से भेजा जाता है, ऐसे में उन्हें सुबह से भूखा प्यासा रहना पड़ता है। कैदियों ने हंगामे के दौरान न्यायपालिका और जिला कलेक्टर मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। एक बार तो हंगामा होता देख पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। बाद में जैसे तैसे पुलिस कैदियों के वारंट लाए, जब जाकर मामला शांत हुआ। सवाईमाधोपुर जिले की वजीरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह के अनुसार दोनों वाहन चोर मीना बड़ोदा निवासी दीपक मीणा और रणजीत मीणा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 शातिर वाहन चोर चोरी की बाइक से मीना बड़ोदा की तरफ से आ रहे हैं, जिस पर हेड कांस्टेबल हरिलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना की गई। दोनों चोर पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा गए और बाइक घुमाकर वापस भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों को बड़ौली मोड़ पर पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार दोनों चोरों के खिलाफ अलग अलग थानों में वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। मोटरसाइकिलों की कई वारदात चोरी वारदात हुई थी, मोटरसाइकिल चोरों की तलाश में थे। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक चोरी की मोटरसाइकिल पर 2 चोर बड़ौदा की तरफ से आ रहे हैं, जिस पर हरिलाल हेड कांस्टेबल और टीम को रवाना किया गया।
जिनसे एक अपाची मोटरसाइकिल RTR चोरी की बरामद की, जिनसे तफ्तीश की गई तो अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जिसमें अपने यहाँ की भी दो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, बाकी दो जयपुर की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। कुल कितनी हुई है सर? 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और भी आगे उम्मीद है चोरी खुलासे की? तफ्तीश की जा रही है। बूंदी के देई थाना इलाके में कुएं में गिर जाने से 16 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बालिका को देई चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सुनीता अपने घर से जा रही थी कि अचानक चक्कर आ जाने के कारण सूखे कुएं में गिर गई। परिजनों ने तुरंत बालिका को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंची। कोटा में सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा का पहला वोट मोदी को और नव मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं का फूलमाला पहनाकर और तिलक लगाकर सम्मान किया। साथ ही नव मतदाताओं को संकल्प दिलाया कि उनका पहला वोट मोदी को होगा। बसंत विहार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कि भारत के स्वाभिमान, अखंडता और नवनिर्माण के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा से पहला वोट अपने परिवार में जो भी पहला वोट डालेगा उसका वोट सभी के वोट हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राजस्थान के अंदर 35 लाख है भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम ऐसे मतदाताओं के बीच में जाए जो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के हैं, जो अपना जीवन का पहला वोट डालने जा रहे हैं। हम उनको अपनी बातों के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन का पहला वोट डालने जा रहे हो, वो पहला वोट आप किसको देवे और क्यों देवे, क्योंकि वोट की ताकत आप सब भली भांति समझ सकते हैं। एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होता है, एक वोट से हमारा देश किस ओर जाएगा। ये पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर के अंदर हमारा एक अभियान चल रहा है पहला वोट मोदी को। ऐसे युवा जो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के हैं, ऐसे युवाओं की संख्या लगभग राजस्थान में 35 लाख ऐसे युवाओं की संख्या है जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध है कि ऐसे युवाओं का अधिकाधिक मतदान मोदी जी के समर्थन में हो। पूरे राजस्थान की सभी 200 की 200 विधानसभाओं में इस प्रकार हम नव मतदाताओं का एक कार्यक्रम करते हैं, वहाँ युवाओं को मोटिवेट करने का काम करते हैं और मोदी जी की नीतियों के बारे में और 5 साल के अंदर जो मोदी जी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है, एक बेदाग ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त गरीबी मुक्त वंशवाद मुक्त परिवारवाद मुक्त जो सरकार देने का काम किया है, मैं समझता हूं देश में अटल जी के बाद में पहली ये सरकार है जिसने एक स्वच्छ प्रशासन दिया और जो दुनिया के जो ऐसे मुल्क जो हमें आँख दिखाते थे उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया। ऐसी तमाम बातों को हम नव मतदाताओं के बीच में रखते हैं और उन्हें मोदी जी के विचारों के साथ जोड़ने का काम हम लोग पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस अभियान के माध्यम से हम पुनः राजस्थान की 25 की 25 सीटें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदनलाल सैनी जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान की जीत करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रबुद्ध जनों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक बूंदी के निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला, बूंदी विधायक अशोक डोगरा और ममता शर्मा मौजूद रही। बैठक में ओम बिरला ने कार्यकर्ताओं से केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने की अपील की। बैठक में देश में महिला सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनावों को लेकर सवाईमाधोपुर जिला निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर परिषद सभागार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने को लेकर सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन विभाग ने जिले में 964 मतदान केंद्र बनाए हैं जिन पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतदान कार्य के लिए 4,685 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के दौरान 156 कर्मचारी रिजर्व में रहेंगे। इसके अलावा 8 एरिया मजिस्ट्रेट और 116 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण है आज, इसमें पुलिस ऑफिसर साहिबान ही हैं। आज से लगातार दिन रात ये लोग अच्छे से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए काम करेंगे।
और इलेक्शन कमीशन की मंशा के अनुसार और हम सबके कमिटमेंट के अनुसार फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक मतदान के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के अरनेटा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर ग्रामीणों को चुनाव के दौरान वोट का प्रयोग करने का संदेश दिया। रैली गाँव के मुख्य मार्गो के अलावा गलियों से भी गुजरी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। रैली में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने पहले मताधिकार प्रयोग करें फिर जलपान करें लिखी तख्तियां ले रखी थी। कोटा के महावीर नगर इलाके में चालान बनाने के दौरान रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हरि नारायण गौतम के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके तहत सोमवार को ब्राह्मण समाज अभिभाषक परिषद और आमजन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले महावीर नगर चौराहे के पास दुपहिया वाहन को रोककर हेलमेट का चालान बनाने के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग हरिनारायण गौतम के साथ न केवल अभद्रता की बल्कि उनके साथ मारपीट तक कर डाली। घटना के बाद नजदीकी थाने पर शिकायत भी की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कोटा के डीसीएम प्रेमनगर स्थित वैष्णो देवी मंदिर से भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेश नाथ महाराज के सानिध्य में बेजुबान पक्षियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए परिंदे बांधने के अभियान की शुरुआत की गई। समाज सेवी विनोद बुट ने बताया कि इस मौके पर मंदिर परिसर में 51 परिंदे बांधे गए। अभियान के तहत कोटा शहर के विभिन्न इलाकों में परिंदे बांधे जाएंगे। इस मौके पर मीणा समाज के जिलाध्यक्ष कमेंद्र मीणा और अंकित प्रजापति आदि मौजूद रहे। पक्षियों के लिए परिंदे वितरण का एक कार्यक्रम बनाया है। इनका हर साल ऐसा संकल्प रहता है कि लगभग 551 परिंदे समाज के विभिन्न लोगों को वितरण किए जाएं और वो लक्ष्य ये रहता है कि विभिन्न वृक्षों पर आकर के पक्षी निवास करते हैं और ऐसी भीषण गर्मी में उनको जल की आवश्यकता है। तो मैं इस संगठन के माध्यम से और माँ वैष्णव देवी मंदिर के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी भीषण गर्मी में कुछ सोचें और मनुष्य समाज के लिए तो करें ही करें लेकिन पशु और पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करके और मानवीय जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य के भागी बने। कृषि उपज मंडी 12 में एफसीआई के समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र पर अव्यवस्थाओं के चलते तुलाई शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में किसानों को दिन भर परेशान होना पड़ा। मंडी प्रशासन द्वारा एफसीआई को आवंटित शेड में व्यापारियों और किसानों ने जिंस का अनावश्यक ढेर लगा रखा है जिस कारण अव्यवस्था हुई है। सूचना पर मंडी पहुंची पुलिस ने समझाइश कर तुरंत शेड खाली करने के निर्देश दिए हैं। एफसीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि यह शेड मंडी प्रशासन ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आवंटित किया है। इसके बावजूद व्यापारी और किसान इस शेड में अपने अपने माल की ढेरियां लगा देते हैं जिससे अव्यवस्था फैल रही है। कई बार मंडी प्रशासन को लिखकर देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सेई के लिए पूरा शेड अलॉट हुआ है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए लेकिन यहां पर किसान और व्यापारी अपनी दूसरी कृषि जिनसे सरसों चना लहसुन पटके हुए रात को आके डाल देते हैं, मना करने पर लड़ाई करने पर तैयार हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था में एफसीआई द्वारा खरीद नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे लिए खरीद करने के लिए कोई जगह बची नहीं शेड में। हमारे किसानों की टोलियां यहाँ बाहर खड़ी हुई है लेकिन उसको अंदर आने के लिए जगह नहीं है। तो इस परिस्थिति में तुराई कार्य संभव नहीं है। मंडी सेक्रेटरी को लगातार हम 10 दिन से बोल रहे हैं, 10 दिन से परेशानी आ रही है। लिखित रूप में मौखिक रूप में सबको बोला है लेकिन उनके द्वारा बस यही है कि टेम्परेरी आज उठ जाएगा, शाम को तुलाई आज कर लो कल कर देंगे, खाली यही आश्वासन दिया गया है। आज सुबह भी ये सारी परेशानी थी, तुलाई कार्य बंद कर दिया गया है। माल तुलाने में परेशानी आ रही है, जो गोदाम एफसीआई को दिया हुआ है इसमें व्यापारियों माल पड़ा हुआ है, लहसुन पड़ा हुआ है, सरसों के तोल के जो कट्टे हैं इसमें लगा रखे हैं इन्होंने। किसान परेशान हो रहे हैं सुबह से, माल तोलने के लिए जगह नहीं है। माल को तोलेंगे भी तो कट्टे कहाँ लगाएंगे, कट्टे लगाने के लिए भी जगह चाहिए। इस वजह से बहुत समस्या आ रही है, सुबह से बहुत परेशान हो रहे हैं, इस वजह से माल नहीं तुल पा रहा। मंडी समिति के पास भी दो तीन बार चले गए हम, अब आए अब क्या समाधान होता है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब बोल रहे हैं माल तुल जाएगा, अब तुलता है कि नहीं तुलता ये बात की बात है। कोटा में सोमवार को पर्यावरण वन एवं वन्यजीव प्रेमियों ने पृथ्वी दिवस मनाया। पृथ्वी संरक्षण को लेकर शहर में कई तरह के आयोजन हुए। इसके तहत बजरंग नगर इलाके में पृथ्वी संरक्षण को लेकर स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान बच्चे हाथों में जंगल जल जमीन को बचाने संबंधी नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले। बच्चों ने धरती माँ को प्रदूषण से बचाने का आह्वान किया। वहीं अनंतपुरा स्थित स्मृति वन में पर्यावरण प्रेमियों ने श्रमदान किया और पौधों में पानी दिया।
आज अर्थ डे के उपलक्ष्य में प्रगति इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने इस रैली का आयोजन किया है। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इसमें काम किया है और बच्चों ने अपने अपने घरों से अपने अपने पेरेंट्स के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें अर्थ डे के रूप में दर्शाई गई है, चार्ट और बैनर के द्वारा खुद के बनाए हुए बच्चों के अपने बैनर्स हैं, अपने पोस्टर्स हैं, जिससे संदेश देती है अर्थ डे के लिए ये बच्चे, प्रगति इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चे जो आज यहाँ घूम रहे हैं अर्थ डे के उपलक्ष्य में। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर कोटा शहर में जागरूकता के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सोमवार को रंगबाड़े स्थित मंगलेश्वरी गार्डन से पृथ्वी दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। एमबी इंटरनेशनल विद्यालय की ओर से निकाली गई रैली में छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने का संदेश दिया। आज अर्थ डे के अवसर पर हम लोगों में जागृति पैदा करने के निमित्त विद्यार्थियों की रैली निकाल रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के लिए सचेत रहे, इस अर्थ को बचाने के लिए सचेत रहे। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे अर्थ को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर समाज में सफाई व्यवस्था को सफाई सुचारू रूप से हो, सफाई प्रत्येक व्यक्ति सफाई पर ध्यान रखे, इस हेतु की हम अपनी लोगों से निवेदन कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से। सवाई माधोपुर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत चलाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को वोट बारात निकाली गई। वोट बारात कलेक्ट्रेट से रवाना होकर अंबेडकर सर्किल, गौरव पथ और मुख्य बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान बारात का स्वागत किया गया। साथ ही बारात में शामिल कलाकारों ने आकर्षक लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर लोगों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया। वोट बारात में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। तो ये थी अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होते हैं खास हलचलों से। नयापुरा पुल से युवक ने लगाई चंबल में छलांग, युवक की हुई मौके पर ही मौत। गोताखोर टीम और नयापुरा थाना पुलिस पहुंची मौके पर, शव को पहुंचाया एमबीएस अस्पताल मौजरी में। बौली में नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, खेत में घायल अवस्था में मिली पीड़िता, दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट। कोटा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया में कूलर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान। बूंदी पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, बजरी का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रकों को किया जब्त। तो अब दीजिए इजाजत, निधि को एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।